सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम निफ्टी के डेटा को एनालिसिस करके कल मार्केट में क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, कल के दिन भी हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था और कल का नतीजा निकला था कि आज के दिन यानी 30 सितंबर के दिन निफ्टी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है और देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आया। निफ्टी में आज के दिन करीब 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी करीब 17,618 के लेवल पर क्लोज होता हुआ नजर आया। देखिए कहीं ना कहीं ये डेटा आपको सही बताता है और सही डायरेक्शन देता है, बशर्ते जो ग्लोबल क्यूज है और भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर देखिए वहां कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो निश्चित रूप से ये डेटा झूठा साबित होता है, लेकिन अगर सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो ये डेटा आपको निश्चित रूप से सही डायरेक्शन देता है। वो कैसे, यहां पर आज फिर हम एनालिसिस करेंगे इस डेटा को। सबसे पहले हम पुट के डेटा को एनालिसिस करते हैं और यहां से सपोर्ट जोन को तलाशने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देखें एट द मनी जो ऑप्शन है वो आज के दिन 17,600 का लेवल है। यहां पर आप देखें एट द मनी ऑप्शन ये है और सबसे पहले जो लेवल हमको देखना है वो है 17,500 का लेवल। यहां पर आप देखेंगे तो आज के दिन करीब 18,036 कॉन्ट्रैक्ट की यहां पर पुट राइटिंग हुई है आप देखेंगे, और ओपन इंटरेस्ट 34,782 का है। यानी कि इतने लोगों को लगता है कि भाई ये जो निफ्टी है ये अब 17,500 के ऊपर ही रहने वाला है और ये सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। वहीं थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो एक लेवल आपको देखेगा 17,300 का लेवल, और ये भी काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ पर 6,717 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हुई है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 21,000 के आसपास का है, तो ये भी एक सपोर्ट जोन हो सकता है। और अगर ये टूटता है तो सबसे बेहतरीन जो सपोर्ट है 17,200 का लेवल है, यहां पर 12,321 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग हुई है और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 24,967 का है। यानी कि यहां पर जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि इस वीक कम से कम 17,200 के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और ये एक बेहतरीन सपोर्ट जोन साबित हो सकता है। तो ये तीनों ही लेवल आपको याद रखने हैं, 17,200, 17,300 और 17,500 बहुत ही ज्यादा अहम है। ये टूटता है तो ये दोनों ही लेवल आपको आते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात करें रेजिस्टेंस जोन की तो देखिए यहां पर कॉल्स का डेटा हम एनालिसिस करते हैं। पहला जो लेवल है वो है 17,700 का लेवल, यहां पर आप देखें 39,157 कॉन्ट्रैक्ट की पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हुई है और यहां पर 57,048 का ओपन इंटरेस्ट ओवरऑल है। तो देखिए यहां पर इतने लोगों को लगता है कि भाई ये जो निफ्टी है ये 17,700 के ऊपर कम से कम इस वीक तो नहीं जाएगा और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है, इसीलिए यहां पर कॉल राइटिंग लोगों ने यहां पर जबरदस्त की है। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट लेवल की तो नेक्स्ट लेवल है यहां पर 17,800 का लेवल, यहां पर आप देखें तो 22,920 यानी करीब 23,000 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग हुई है और 50,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि ये लेवल बहुत ही बेहतरीन है और ये दो लेवल काफ़ी मजबूत हैं और मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए ये वीक भी कुछ अच्छा रहने वाला नहीं है और यहाँ पर भी आपको जो रेजिस्टेंस है वो हावी होते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर देखें तीसरा लेवल तो 17,900 का लेवल, यहाँ पर 17,369 कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग हुई है और 37,000 का ओपन इंटरेस्ट है। साफ साफ पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस काफ़ी मजबूत है, यानी कि कॉल का डेटा मजबूत है। और यहाँ से अगर हम अनुमान लगाएं तो देखिए तीनों ही जो लेवल मैंने बताया 17,700, 17,800 और 17,900 ये तीनों ही लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए नजर आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अब क्या हो सकता है कल के दिन, तो कल के दिन भी आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी हां, निफ्टी में अगर कॉल का डेटा देखें तो कॉल का डेटा मजबूत नजर आ रहा है और इस डेटा से यह साफ साफ पता चल रहा है कि कल के दिन भी निफ्टी लाल निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि उतना कमजोर भी नहीं है पुट का डेटा, तो यहां पर जो गिरावट होगी वो बहुत ही कम होगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरावट होगी 100-200 अंकों की, ऐसा नहीं है। निफ्टी में करीब 30-40-50-60 अंकों की गिरावट यहां पर मिली जुली देखने को मिल सकती है और बहुत ज्यादा तेजी की गुंजाइश यहां पर नहीं है। तो यह हमने अनुमान लगाया और देखिए पिछले
पिछले एक वीक से हम देख रहे हैं हमारे अनुमान एकदम सही बैठ रहे हैं। अगर इस हिसाब से आप पोजीशन बनाएंगे, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन तो मैं बता ही देता हूँ, और अगर चार्ट पर थोड़ा सा लेवल देखकर पोजीशन बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी विन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डेली ऐसे ही एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, आईपीओ से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।